The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, namaskar, adab, sat sri akal, kaise hain aap? So, dosto, क्या आपका बच्चा ओवरवेट है? क्या आपके बच्चे घर में थोड़े ज़्यादा मोटे हो रहे हैं? तो ये एक्चुअली एक बहुत गंभीर समस्या है जो आज के डेट में कई देशों में हर जगह ही पाई जा रही है। और वज़न बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, एक थोड़ा हायर साइड पे रहेगा चलेगा। बट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वेट? आप वेट को आप जब पैदा होते हैं तब से बहुत ज़रूरी माना जाता है, ठीक है। जब आप पैदा होते हैं आपका बर्थ वेट जो होता है वो बच्चों का 6 से 9 पाउंड के बीच में हो सकता है। आप मतलब 2 से 3 किलो के बीच में, कोई 1.5 किलो भी बच्चा होता है छोटा, कम वजन वाले बच्चे जो है उनका रिस्क बढ़ जाता है, राइट। सो वजन जो है वो बचपन से बहुत जरूरी होता है। बच्चों का वेट जो है कई बार बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है और बच्चे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, खासकर अगर वो मीठा ज़्यादा खा रहे, चॉकलेट ज़्यादा खा रहे, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खा रहे। तो इसमें डॉक्टरों का बहुत बड़ा रोल आ जाता है कि वो बच्चों का हाइट और वेट मॉनिटर करें और ये देखें कि ग्रोथ उनकी सही से हो रही है कि नहीं हो रही। बच्चों के रेगुलरली हाइट और वेट चार्ट करने बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली अगर आपका बच्चा जो है वेट गेन कर रहा है लेकिन ग्रो कर रहा है तो सब ठीक है, लेकिन अगर वेट ज़्यादा है और ग्रोथ थोड़ी कम है तब यहाँ पे प्रॉब्लम है, हाइट की ग्रोथ की बात हो रही है। सो ओवरवेट का क्या मतलब है? मेडिकल टर्म्स में अगर बच्चा ओवरवेट है मतलब कि उसके उम्र के हिसाब से उसका जितना वजन होना चाहिए, जितनी हाइट होनी चाहिए, हाइट है वजन ज़्यादा है, या हाइट नहीं है कम है वजन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केस में एज रिलेटेड, वेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसको कम उम्र में भी हो सकते हैं। सो बच्चे के केस में भी ओवरवेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आज के डेट में कई बच्चे ओवरवेट है बिकॉज ऑफ लेस एक्टिविटी, लॉकडाउन, कोरोना, क्या क्या बहुत सारी बीमारियाँ बाहर के, कह लीजिए टेम्परेचर, बहुत कुछ के, फिजिकल एक्टिविटी कम और बाकी फ़ोन, वीडियो गेम ज़्यादा, कारण आपको पता ही है। सो कुछ ना कुछ बॉडी फैट तो सभी में रहता है और हेल्दी भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर बॉडी फैट आ जाए तो ओवरवेट बच्चों के जो दूसरे बच्चों के साथ खेलने कूदने से लेके उनकी खुद की सेल्फ एस्टीम जो है कई बार दे कैन नो, उनका डिप्रेशन लेवल भी बढ़ सकता है, दे माइट फील बैड अबाउट देमसेल्फ। सो इस चीज़ के लिए लेट्स अंडरस्टैंड कि डेफिनेशन क्या है, ठीक है। नो, देर इज़ नो वन परफेक्ट वेट फॉर अ किड टू बी, मगर डॉक्टर्स के अंदर कई सारी कैटेगरीज होती हैं जिससे वो डिस्क्राइब करते हैं कि बच्चा अंडरवेट है, हेल्दी वेट है, ओवरवेट है, ओबेस है। ये डिपेंड करता है उसकी उम्र पे, उसके जेंडर पे, मेल फीमेल, हाइट पे। फीमेल्स का, लड़कियों का वजन थोड़ा कम होता है, लड़कों का थोड़ा ज़्यादा होता है, और मसल मास के हिसाब से मसल मास थोड़ा लड़कों में ज़्यादा होता है, ठीक है। सो हेल्दी वेट, ओवरवेट और वो सब इसके बारे में, ठीक है। सो BMI क्या होता है? बीइंग ओवरवेट, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में ओवरवेट जा रहे हैं कि जो वेट स्केल होती है उसकी जो नॉर्मल रेंज है उससे अगर आप ऊपर ओवरवेट कैटेगरी में आ गए, उसके ऊपर आप ओबेस कैटेगरी में आ गए या अंडरवेट कैटेगरी में आ गए, इस नॉर्मल रेंज में नहीं हो, तब प्रॉब्लम आने लग जाती है। सो प्रॉब्लम्स में कई बार हम बॉडी मास इंडेक्स को यूज़ करते हैं, ऑल्दो दिस इज़ नॉट अ वेरी परफेक्ट सिस्टम, बट ठीक है, कुछ तो सिस्टम रखना ज़रूरी हो जाता है। सो ऐसे में एस्टीमेशन जो है हाइट और वेट के प्लॉटिंग से किया जाता है और उनके उम्र के हिसाब से कई सारे डिफरेंट चार्ट्स, बॉयज़ और गर्ल्स के चार्ट्स, अलग अलग चार्ट्स पीडियाट्रिशियन के पास, बच्चों के डॉक्टरों के पास अवेलेबल होते हैं। सो BMI की रिपोर्ट के हिसाब से पता चलता है कि आपके बेसिक कितना BMI है, और BMI आपका बता सकता है कि आपको, अगर आप बहुत मोटे हैं, बहुत मस्कुलर हैं, तब भी BMI बढ़ जाता है मस्कुलरिटी से भी, तो ऐसे केस में आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि यह एक्चुअली में रिस्क है बीमारियों का या नहीं। सो अगर आप ओवरवेट हैं, बच्चा ओवरवेट है, तो बच्चे के डाइट का और फिजिकल एक्टिविटी का सबसे बड़ा रोल है। इसके अलावा क्योंकि बॉडी जो है बैठे बैठे भी कैलोरीज यूज़ करती है, हार्ट बीटिंग, लंग्स ब्रीदिंग, ब्रेन वर्किंग के लिए, तो जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़रूरी हो जाती है बच्चे के लिए। मिनिमम एक्टिविटीज़ अगर आप उसकी रखते हैं या वो नहीं करता तो फिर डाइट भी उसकी कम रखनी पड़ेगी, वरना ये हाल हो जाएगा, ठीक है। सो कैलरीज जो हैं वो बहुत ज़रूरी है, कैलरी इन, कैलरी यूज, कैलरी बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। सो वेट अगर गेन हो रहा है तो क्या करें? आप देखें कहीं आपका बच्चा स्क्रीन के सामने, कंप्यूटर के सामने या टीवी के सामने, फ़ोन के सामने बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं बिता रहा, और आप
कहीं ऐसा तो नहीं हर जगह ड्राइव कर रहे हैं, कभी वॉक ही नहीं होता, कभी एक्टिविटी ही नहीं होती है? और क्या बच्चे सिर्फ वीडियो गेम मोबाइल गेम ही खेल रहे हैं? और क्या आप हेल्दी कुकिंग पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, या बस तला भुना बाहर का नो प्रोसेस मैकडी वैकडी बर्गर शर्गर बस एक ही चीज़ खाते जा रहे हैं? और क्या ओवरवेट जेनेटिकल प्रॉब्लम है आपको? क्या आपकी फैमिली में सभी ओवरवेट हैं तब भी ये प्रॉब्लम जल्दी बन जाता है? सो अगर ओवरवेट हो जाता है बच्चा तो क्या होगा? तो बच्चे को कम उम्र से ही हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाएगा। उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ सकती है, स्लीपिंग प्रॉब्लम आ सकती है, उसको अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने में प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत जल्दी उसके हाथ पैरों में दर्द पैस हो सकता है, जॉइंट में पेन हो सकता है, और वहाँ पर मूड प्रॉब्लम्स भी उसको आ सकते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आ सकता है, जहाँ पर पीयर प्रेशर होता है, बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाते भी हैं। ठीक है, सो क्या कर सकते हैं आप? सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चे को किसी भी तरीके से एज एक्टिव एज ही कैन उतना और शी कैन एक्टिव बनाइए। स्पोर्ट्स ज्वाइन करा दीजिए, कुछ भी, स्विमिंग, टेनिस, मार्शल आर्ट्स, जस्ट कुछ ना कुछ प्ले करना है, या फिर एक्सरसाइज करनी है, जंपिंग रोप्स, रनिंग वनिंग, कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूरी है। और स्टेयर्स यूज़ करवाइए, सीढ़ी चढ़वाइए, लिफ्ट विफ्ट जो है उसकी जगह, और थोड़ा वॉकिंग ज़रूर। टीवी, मोबाइल, गेम्स वेम्स बंद करवाइए या लिमिट कराइए। और इसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी के साथ डाइट का बहुत ही बड़ा रोल है। सो ऐसे बच्चों में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का चलन बहुत ज़रूरी है। फ्रूट्स खाने की आदत होनी चाहिए और बहुत सारा पानी पीने की आदत होनी चाहिए। दूध पीते हैं तो लो फैट, और जूसेस वूसेस बाहर के प्रोसेस फूड मिनिमम, कोई भी शुगरी ड्रिंक्स मिनिमम, वाटर या लो फैट मिल्क को चूज़ करें पेप्सी कोला या कोल्ड ड्रिंक्स की जगह, राइट? और अगर कोई मीठा चीज़ खाते भी हैं तो, या चिप्स वे बाहर का प्रोसेस फूड आइसक्रीम खाते भी हैं तो पोर्शन बहुत कम रखना आपका काम है। सो दिस इज़ वॉट यू नीड टू डू। सो सबसे पहला काम है पेरेंट्स का, उसके साथ काम है डॉक्टर का, और बच्चे अगर खाने में नहीं उनका मन कर रहा तब बात आता है डाइटिशियन या फिर एक शेफ़ का, जो अच्छे अच्छे हेल्दी डिश बना के उनको दें ताकि वो हेल्दी रह सकें और न्यूट्रिशियस फूड खाएं, एक्सरसाइज अच्छी करें और मोटापे और आने वाली बीमारियों से बचें। तो अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो थोड़ा मोटा हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और ऐसे ही आपके दोस्तों को ज़रूर ये वीडियो शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।